लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला। उपचुनाव को लेकर एसपी पर साधा निशाना अखिलेश यादव को हारने की पीड़ा है। मुस्लिम समाज को अखिलेश अपना वोट बैंक समझते हैं। लाल टोपी वालों के कारनामों को जनता जान चुकी है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ा हमला बोला गया अखिलेश यादव पर। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और जब जब इन्हें सत्ता मिली है, ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहु बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो, जो ओबीसी समाज की एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने कॉलेज में बुला करके जो कुकृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है।